वो लेक्चर नंबर 13 है और फाइनल एग्जाम की तरफ आप जा रहे हैं। बिलातअख़ीर हम शुरू करते हैं क्लास को। 42 तक आया था, आपने पढ़ ली थी सूरह बकरा की, उम्मीद है आपको उसकी समझ आ गई होगी। अब अगली आयत है, अल्लाह ताला ने दो हुक्म दिए यहाँ पर और उसके साथ तीसरा हुक्म भी अल्लाह ताला ने दिया, फरमाया वाकीमुस्सलात और नमाज को कायम करो। इसका मतलब है जो वादा अल्लाह ताला ने पीछे लिया है उस वादे के अंदर ये चीज शामिल है कि आदमी ने नमाज को कायम करना है। और अव्वल मा युहासबु बिल अब्द वस्सला, कयामत वाले दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तो ये अहादीस में कोई मुनाफात या कंट्राडिक्शन नहीं है। कयामत वाले दिन कत्ल के बारे में पूछा जाएगा सबसे पहले, नमाज के बारे में पूछा जाएगा सबसे पहले, तो इन दोनों चीजों में कोई इख्तलाफ नहीं है। आप अभी पेपर देखते हैं, आपका जो पेपर है ना 9वीं 10वीं में या 11वीं 12वीं जो भी आपकी एफएससी होती है, उसमें आप जानते हैं कि कम से कम 3 सेक्शंस होते हैं, एक एमसीक्यूज का, एक शॉर्ट क्वेश्चंस का और एक लॉन्ग क्वेश्चन का। जी ठीक है जी। जी सर, ऐसा ही है। हाँ और आप एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन, अभी तीनों चीजें डिफरेंट होती हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, तो आप क्या कहेंगे जी कि जी फलाना क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन था। और जब पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अगर साल है फिर एमसीक्यू का जिक्र नहीं करेंगे बल्कि आप कहेंगे फौज पहला शॉर्ट क्वेश्चन फलाना था। तो लिहाजा जो हकूकुल्ला है उसके अंदर सबसे पहले पूछा जाएगा नमाज के बारे में, जो दूसरे हकूक है उनमें सबसे पहले पूछा जाएगा कत्ल के बारे में, तो दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं है। तो फरमाया नमाज कायम करो और वातु ज़कात ज़कात अदा करो, और तीसरा हुक्म है बाजमात नमाज पढ़ने का, खास तौर पर मर्दों को, वरकाउ मार रहा के इन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। तो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के इस हुक्म से वाजी होता है कि नमाज की बाजमात ताकीद किस कदर जरूरी है। इसलिए मुनाफिकीन भी जमात से पीछे नहीं रहा करते थे, क्योंकि उस जमाने में जमात से पीछे रहना समझा जाता था कि ये मुनाफिक की निशानी है। तो लिहाजा मुनाफिकीन भी नमाजों में शामिल हुआ करते थे ताकि सहाबा उनको मुनाफिक समझने लग पड़े। एक्चुअली तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने इरादा किया कि मैं ऐसी चीज का हुक्म दूं जो जलाने वाली है, ईंधन है, वो इकट्ठा किया जाए, नमाज का हुक्म दूं उसके लिए अजान कही जाए, फिर किसी आदमी को हुक्म दूं कि वो लोगों को इमामत करवाए, और फिर मैं उन आदमियों की तरफ जाऊं जो नमाज में हाजिर नहीं होते और उनके साथ उनके घरों को जला दूं। ये सही बुखारी की हदीस है 640। तो उसके अंदर तफसीर आपने बयान की कि लेकिन मुझे बच्चों और औरतों की वजह से मैं रुक जाता हूँ, ये बच्चे साथ है, बच्चों पे नमाज फर्ज नहीं है और औरतें उनके लिए नमाज घर में पढ़ना है। तो इससे अंदाजा लगाएं कि नबी अलैहिस्सलाम किस कदर शिदत रखते हैं नमाज के बारे में। और नमाज को कायम करना, नबी अलैहिस्सलाम पर जो कुरान नाजिल हुआ उसमें फरमाया इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाय वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। इसके कई माने बयान किए गए हैं। पहले एक माना तो ये बयान किया गया है कि जितनी देर आदमी नमाज पढ़ता रहता है साफ, उस दौरान तो वो लाजमी गुनाहों से बचा रहता है, बेहयाई के कामों से बचा रहता है, फवाशी से बचा रहता है, आधा घंटा पढ़ता है, 15 मिनट पढ़ता है। और दूसरा माना ये बयान किया जाता है कि जब आदमी नमाज पढ़ता रहता है, हाँ जरूरी है कि वो नमाज को समझ के पढ़ता हो, तो इंशाल्लाह वो नमाज आहिस्ता आहिस्ता उसको बुराई से रोकना शुरू कर देती है और उसके अंदर ये पैदा करती है कि तुम अल्लाह के सामने पेश होते हो, साथ ये काम भी करते हो, तो वो साल में 6 माह में 2 साल जब भी है तो आहिस्ता आहिस्ता वो नमाज उसको उससे रोक रही। तो फरमाया वाकीमुस्सलात, नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि जो शख्स अजान सुने और सुनकर मस्जिद में ना आए तो ला सलात लहू, उसकी नमाज नहीं है, इल्ला भी उजरिन मगर उजर के साथ। उजर से मुराद है कि कोई ऐसा शरी उजर है कि रास्ता सही नहीं है, आदमी जो है वो इस कदर बीमार है कि चल नहीं सकता, या उसको जान का खतरा है, या जंगली जानवर है रास्ते में उसका कोई खतरा ऐसा बन जाता है, तो उसके बगैर नमाज को घर में अदा करना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ खवातीन जो है वो घर में नमाज अदा करें और कर सकती हैं, उनके लिए घर बेहतर है, लेकिन वो मस्जिद में जाना चाहे तो जा सकती हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नमाज को कायम करना, अब ज़कात को अदा करना, ज़कात अदा करने की मसलहत भी यही है
आप दोनों की आपस में मिले तो सलात आप पढ़ते हैं नमाज मस्जिद में जाकर, वहां आपको मुख्तलिफ किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है और आदमी को पता चलता है फलां आदमी मुस्तहिक है, फलां आदमी मेरा इस तरह का है, फलां दोस्त इस तरह का है, फलां मोहल्लेदार की ये हालत है। साथ में वो आतुज जकात है। जकात कहते हैं किसी चीज को पाक और साफ करने को, जक्का युज़क्की पाकीज़ा करना साफ करना, जिस तरह आप कपड़ों को साफ करते हैं, जिस तरह आप घरों को साफ करते हैं, जिस तरह आप किसी भी चीज को साफ करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, उसको शाइनिंग देते हैं, उसको चमकाते हैं, तो हमारे माल के अंदर जो कमी बेशी हो जाती है किसी भी सूरत में, कि अल्लाह ताला के फ़राइज़ छूट जाते हैं या आदमी से गुनाह हो जाता है, तो उसकी पाकीज़गी का तरीका ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक तू हाजुमिन अग्नियाई हुआ सूरत तू अल्लाह को कर आई हिम, ये उनके गनी यानी कि मुसलमानों में से जो गनी लोग हैं उनसे ली जाए और उनके फुकरा पर तकसीम कर दी जाए। तो इसके मसारिफ 8 हैं जो सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में जिक्र किए गए हैं। शेर के तौर पे आप याद कर लें कि सूरह तौबा की आयत नंबर 60 और ज़कात देने के मसारिफ हैं 8। तो फरमाया वर का उमर राकिन और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। इससे आयत से अंदाजा होता है कि इस्लाम एक सोशल दीन है। सोशल से मुराद है कि एक दूसरे का एहसास करने वाला है। जिस तरह पुराने दिन में सहाबा के बारे में आता है वही सुकून आला हुसैन वालों का नाम ही हसासा, सहाबा कराम दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, चाहे इनकी अपनी कोई कोई जरूरत क्यों ना हो तो अपनी जरूरत को रोक लेते हैं दूसरे को तरजीह देते हैं। इसका मतलब है इस्लाम एक दूसरे का ख्याल रखने का हुक्म देता है और उसने ये जो 3 चीजें यहाँ पर रखी हैं, नमाज करना और उसके बाद ज़कात देना, और नमाज पढ़ते हुए रुकू करने वालों के साथ रुकू करने से मुराद ये है कि बाजमात नमाज पढ़ना, ताकि इस्लाम के अंदर एक यूनिटी की फ़िज़ा पैदा हो और लोगों को पता चले कि ये तमाम लोग इकट्ठे होकर एक जगह अगर नमाज अदा कर सकते हैं तो अल्लाह ताला के कुरान के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक इकट्ठे भी हो सकते हैं। जी सर, अच्छा, नबी अली सलातुल्लाह ये जो है ना ये 3 हुक्म जो है ये यहूदियों के अंदर भी थे, और लेकिन यहूदियों ने नमाज अदा करना छोड़ दिया था, फिर जकात अदा करने की बजाय वो सूद खाते थे और अभी पता सूद खाते हैं, तो ये उनको भी हुक्म है। और नबी अली सलातुल्लाह ने जो 27 गुना फजीलत भी बयान की है, एक आदमी का मजबूरन अकेले नमाज पढ़ता है, कहीं मजबूरी उसकी बन जाती है। बहरहाल जमात की नमाज जो है वो अकेले आदमी से 27 गुना जो है वो फजीलत रखती है। इस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने 5 नमाजों की मिसाल दी कि किसी के दरवाजे पर नहर बहती हो, वो हर मरतबा 5 दफा उस नहाए तो उसके बदन पर मैल कुचैल रह जाएगा। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर नमाज अपने से पहली नमाज तक, जुमा अपने से पहले जुमा तक और रमजान अपने से पहले रमजान तक गुनाहों का कफारा है, बशर्ते कि कबीरा गुनाह न किए जाए, बशर्ते के कबीरा गुनाह न किए जाए। इसी तरह अहादीस के मुताबिक अगर कोई ऐसा गुनाह बाज का हाथ वाला गुनाह होता है तो वो गुनाह नमाज की वजह से अल्लाह ताला माफ फरमा देता है, जिसका सही बुखारी किताबुल मुहारिबीन में हदीस मौजूद है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नमाज हमारे यहाँ नमाज को ना इतनी अहमियत नहीं दी जाती। तो जी जहरा आरिफ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो गुनाहे कबीरा और गुनाहे सगीरा इनकी तौबा का भी तरीका बताएं, क्या कुछ स्पेशल है या नमाज पढ़ के या नफल पढ़ के बंदे को तौबा कर लेनी चाहिए? हाँ जी, देखिए गुनाह सगीरा कबीरा में फर्क है। पहले तो ये फर्क करेगा, गुनाह कबीरा ऐसा गुनाह जिस पर अल्लाह सुबहाना व ताला ने हद मुकर्रर की है या उस आदमी पे लानत फरमाई है, इसको कबीरा गुनाहों में शामिल किया जाता है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने शिर्क के बारे में बताया है और इस तरह ही मैदान जंग से भाग जाना, इस तरह ये जो चोरी है, इसी तरह जना है, बदकारी है, इसी तरह मुहारबा है यानी कि डाका जनी करना और लोगों को मारना, डाके डालना, डकैतियां करना, शराब नोशी करना, अब कभी एक कबीरा गुना है। अब इसी तरह बास कबीरा गुना ऐसे हैं कि रास्तों को तो ये ना जमीन के निशाना तब्दील करना, मिसाल के तौर पर एक आदमी की 5 परले जमीन है तो वो निशान तब्दील करके फीता मार के वो अगले की 1 परला जमीन आगे अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, इसको भी नबी अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई से आज इस आदमी पर। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने उस आदमी पे लानत फरमाई जो बिदती को पनाह देता है। तो इसका मतलब है कबीरा गुना पहले समझना चाहिए, कबीरा गुना वो है जो या तो जिस पर हद मुकर्रर की जाती है या जिस पर अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई। अब दूसरा ये है कि एक होता है सगीरा गुना। सगीरा गुना होते हैं कि जो अनजाने में आदमी से हो जाते हैं, जिस तरह आजकल हमारी सोसाइटी है नजर का गुना हमसे हो जाता है और कई गुना, जो उसके लिए तो है कि आदमी जो है ना वो जब वुजू करता है नमाज पढ़ता है तो माफ हो जाते हैं।
और उसके साथ जब आप नमाज की दुआएं पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलाम दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ाग़फिरली मग़फिरतन मिन इंदिक व अरहमनी इन्नका अंतल ग़फूरुर रहीम। इस तरह अल्लाहुम्मा अग़फिरली मा क़द्दमतु व मा अख़्खरतु व मा अस्ररतु व मा आलनतु व मा अंता आलमु बिही मिन्नी। तो ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, इस तरह रूह सजदे के अंदर भी दुआएं हैं, तो ये दुआओं से माफ हो जाते हैं। कबीरा गुनाह की शक्लें हैं। कबीरा गुनाह ये है कि अगर वो रिटर्नेबल है, रिटर्नेबल से मुराद ये है कि किसी आदमी ने किसी का माल खा लिया है, किसी की इमानत जो हड़प कर ली है, तो वो आदमी उसके पास जाकर उसका माल उसको वापस करे, ये पहली शर्त होगी। ये नहीं है कि वो अब माल वापस ना करे और अल्लाह से तौबा कर ले, ऐसा नहीं है। इसका मतलब वो माल उसने खाया है तो उसका माल वापस करे, जो उसके साथ ज्यादती हुई है उसकी ज्यादती को कन्वर्ट पूरा करे। बाज गुना ऐसे होते हैं, अल्लाह ना करे, वो जना और बदकारी एहसास रिवर्सिबल नहीं है, जना हो गया तो कैसे रिवर्सिबल होगा। तो इसमें अल्लाह ताला की जो खास रहमत है वो मौजूद है। वो 100 आदमियों के कातिल वाला वाकया कि उसने 100 आदमी कत्ल कर दिया, वो गोलीबाज वाला मसला था, लेकिन अल्लाह ने उसको माफ फरमा दिया। तो अगर आदमी की तौबा सच्ची है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन, ये तीनों शर्तें सूरह फुरकान में बयान हुई है। इल्ला मन ताबा, मगर वो जो तौबा कर ले, वह आमना ईमान ले आए। शर्त यह है कि बाद अवकात ऐसा आदमी गुनाह कर बैठता है जिससे वो ईमान से खारिज हो जाता है। तो लिहाजा फरमाया इल्ला मन ताबा, मगर वो जो तौबा कर ले, वह आमना ईमान ले आए, वह आमिल अमलन सालिहन, और उसके बाद देखिए नेक अमल करे। इसी तरह सूरह बकरा के दूसरे पारे में ना कि इल्ला लजीना ताबू व असलहु व बय्यनु, ताबू तौबा कर ले, वासला हो इसलाह करे। इसलाह से क्या मुराद होगी? इसलाह से ही मुराद होगी ना, जो उसने गलती की उसकी इसलाह करे जाकर। वह बयान हो और लोगों को वाजे तौर पर बता दे कि मुझसे ये गलती हुई है, तो उलाई का अतूबु अलैहिम, अल्लाह फरमाते ऐसे लोगों की तौबा में कबूल कर दो। इसका मतलब है कबीरा गुनाह ये हो या सगीरा गुनाह, अल्लाह ताला से माफी तो मांगनी ही मांगनी है, लेकिन कबीरा गुनाह जो है उसके अंदर आदमी ने इफेक्टली जिसको फर्क पड़ा है, जिसको जो मुतासर हुआ है, उसके पास जाके अगर मुमकिन हो, तो अगर मुमकिन नहीं है तो बंदा उसकी औलाद के पास जाके माल वापस कर सकता है, ये किसी भी शक्ल में। और अतः यहाँ तक भी गुंजाइश मौजूद है कि आदमी सदका और खैरात कर दे या कोई ऐसा काम कर दे, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में ना, कुरान मजीद बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने ना आपको किसी जगह मायूस नहीं किया, इसलिए अल्लाह ताला ने एक जगह बड़ा खूबसूरत खुलिया बयान कर दिया है कि इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआति, बेशक नेकियां बुराइयों को ले जाती है। ये कुरान में कुलिया बयान हो गया, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआति। इसका मतलब है कि बाद ऐसे गुनाह जो आपसे हो गए, चाहे वो कबीरा ही थे, चाहे उसके अंदर कोई बंदा इन्वॉल्व था जिसका हक मारा गया और अब वो मौजूद नहीं है, उसका बेटा मौजूद नहीं है, आप किसी तरह भी उसको रिटर्न करने पर कादर नहीं है, तो आप अल्लाह ताला से सच्ची माफी मांगे और नेकी के काम करें। जब नेकी के काम आप इस नीयत से करेंगे तो अल्लाह आपका कबीरा गुनाह भी इंशाल्लाह माफ हो। वाजे हो गया जी? जी जहरा। जी सर, हो गया। जी सर, जजाकअल्लाह। अच्छा, अब आगे फरमाया था अमरून नास बिल बिर्री, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और तन सऊना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो, अपनी जानों को भूल जाते हो, अंतुम तत्लून अल किताब, और तुम किताब की तिलावत करते हो। अब किताब की तिलावत हम करते हैं तो सादर किताब की तिलावत करते हैं, पता चलता है किताब हमारे ऊपर फर्ज है, इसकी आयात फर्ज है, बल्कि इसकी आयात तो नबी इस्लाम पर अल्लाह ताला ने बाकायदा फर्ज करार दी है कि अल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान लरादुका इला मादिन। अल्लाह फरमाता है कि बेशक वो अल्लाह जिसने तेरे ऊपर कुरान फर्ज किया है, इसका मतलब है कुरान मजीद के असूल और ज़ाबते नबी अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज है, इसलिए तो आप फरमा रहे हैं कि इन अत्तबियु इल्ला मा यूहा इलैया, इन्ना मा अत्तबियु मा यूहा इलैया भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है कि मैं भी सिर्फ और सिर्फ उसकी पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है। इसके अंदर मौजूद है कि आपने नेकी का हुक्म देना है, साथ सबसे पहले अपने आप को उसमें शामिल करना है। नबी अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने ये तरतीब सिखाई, पढ़ते ही वाली आयात आपको पता है सूरह अहज़ाब के अंदर मौजूद है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबी कुल लिअज़्वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, कि अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, फिर फरमाया कि ईमान वाली औरतों से कहिए। इसका मतलब है कि नेकी का हुक्म अपने घर से शुरू किया जाएगा। हाँ, एक अलग चीज है कि आप अपने घर से शुरू करें और घर वाले आपकी बात ना माने और आप हुज्जत पूरी कर दें, तो एक अलग इशू है, लेकिन अच्छे तरीके के साथ आप बताते हैं तो फरमाया। बनी इसराइल के अंदर ये मुसीबत मौजूद थी कि वो नेकी का हुक्म देते थे और खुद अमल नहीं करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको शर्म दिलाई इस बात पर। तो अब ये एक बड़ा ना खास नुकता इसमें समझ लें, वो ये है कि अल्लाह ताला ने ना यहाँ पर यहूदियों को इस बात पे आर दिलाई है कि अमल नहीं करते, इस पे उनको शर्म नहीं दिलाई कि वो लोगों को नेकी का हुक्म
देते हैं, यानी कि नेकी का हुक्म देने पे शर्म नहीं दिलाई, बल्कि शर्म इस बात पे दिलाई है कि खुद अमल नहीं करते। इसका मतलब है कि बाज औकात आदमी को नेकी की बात पता हो तो वो दूसरे को जरूर बताएगा, और दूसरे को बताते हुए ये भी जहन में रखिए कि अल्लाह ने इसी बात की शर्म दिलाई है कि मैं दूसरे को बता रहा हूँ लेकिन खुद अमल नहीं कर रहा। तो आपको अगर नेकी की कोई बात पता है, सबसे बेस्ट तरीकेकार ये है कि आप उस पर अमल करें और दूसरे को बताएं। लेकिन अगर आपको नेकी की बात पता है और आप उस पर अमल नहीं करते, इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी को नहीं बता सकते। किसी को बताते हुए आपके जहन में होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे आर दिलाई है, शर्म दिलाई है कि दूसरों को बताना है। दूसरों को बताने का फायदा ये होगा, रुब्बा मुबल्लगिन औ आमिन सामिन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हो सकता है जिसको बात पहुंचाई जाए औ आमिन सामिन, यानी कि वो आदमी जो है ना सुनने वाला, वो ज्यादा उस पर अमल करना शुरू करते हैं। कई दफा ऐसा होता भी है कि मौलाना साहब, कारी साहब या कोई भी आदमी, वो किसी बात का हुक्म देता है ना दर्स के अंदर, तो वो आदमी शायद उस पर अमल नहीं करता लेकिन सुनने वाला बहुत ज्यादा अमल करना शुरू करता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा और उसकी अंतड़ियां आग में से निकल कर बाहर आ जाएगी, और वो अंतड़ियों के गिर्द ऐसे घूमेगा जैसे गधा अपनी चक्की के गिर्द घूमता है। तो उससे पूछा जाएगा तेरा क्या मामला है, तो कहता था कि मैं नेकी का हुक्म देता था मगर खुद वो काम नहीं करता था, और बुराई से मना करता था मगर खुद वो काम करता रहता। तो ये सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला के इस आयत के मुताबिक ये है कि हमने अगर मुआशरे को दुरुस्त करना है, वाला फरमाता है कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। तो मारूफ काम को करना, फिर मारूफ काम को बताना ये जरूरी है कि ये अच्छा काम है और ये बुरा काम है, बुरे काम से मना करना। और आपको पता है कि हम दूसरे आदमी को जब मना करते हैं तो वो आदमी तो हमारे पास में नहीं होता लेकिन हमारा अपना नफ्स हमारे पास पे है, लिहाजा सबसे पहले इस आयत की रोशनी में हमें अपने आप को नेकी के काम करते हुए और बुराई से मना करते हुए अपने आप को इसे बचाना चाहिए। जी सर एक क्वेश्चन है मेरा। हम अक्सर अवकात जो है ना, जब लोगों को नेकी की दावत देते हैं तो जी अक्सर जी अवकात वो काम हम करने में हम लोग खुद भी स्ट्रगल फील कर रहे होते हैं कि हम करना चाह रहे होते हैं लेकिन बास टाइम पे नहीं हो रहा होता है, लेकिन हम लोग साथ दावत भी देते हैं। तो अक्सर हमारी सोसाइटी में ये देखा गया है कि जब आप किसी को नेक काम की दावत देते हैं और अगर उसको लेट सपोज पता हो कि आप खुद नहीं कर रहे, तो वो डायरेक्टली रिएक्ट यही करेगा कि यार आप खुद नहीं कर रहे हो तो मुझे क्यों बोल रहे हो, पहले आप खुद करो ताकि उसके बाद दूसरे को दावा। तो मतलब ये बड़ी कॉमन डिस्कशंस होती हैं जो मैंने खुद पर्सनली भी फेस की हैं। इस मतलब ये नहीं होता कि मैं खुद नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं खुद करना चाहता हूँ लेकिन जाहिर बात है हर इंसान अपने लेवल पे कमजोर होता है। तो इस बारे में मतलब अगर हम लोग खुद ना करें तो क्या हम दूसरों को भी दावत ना दें? नहीं, पर मैंने बता दिया ना, अगर आदमी खुद अमल में कमजोर है तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ही तो फरमाया कि तुम लोग, और शर्म ये दिलाई कि अपने आप को खुल जाते हो, नेकी का हुक्म देना तो जरूरी है। अब आप माइंड सेट को देखें ना, अगर आप मुझे नेकी का हुक्म देते हैं तो मेरा माइंड सेट ये होना चाहिए कि आपने जो मुझे किया है वो मैं उस पर अमल कर लूँ। अबू हुरैरा वाली हदीस भी इसमें रहनुमाई करती है रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सदके के माल पर, माले की नीमत पर मुकर्रर किया। तो इब्लीस 3 दिन उनके पास आता रहा और आके कहता रहा जी, हर रोज वो ना वहां से चोरी करके ले जाता था चीजें, और हर रोज कहता था कि अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा। तो आखिर में उसने ना, जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल वो फिर आएगा, तो आप अलैहिस्सलाम के सहाबी अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने उसको छोड़ना नहीं था लेकिन वो कहने लगा मैं तो एक गल दस देना, क्या बात अच्छी बता गया कि आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो है तो झूठा लेकिन तुम्हें सही बात बता दिया। तो लिहाजा अगर कोई आदमी नेकी का काम किसी को बताता है, खुद अमल नहीं करता, तो अगले आदमी का माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे नेकी का काम बता रहा है तो मुझे अमल करने में तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। फिर आपको पता है ये चीजें वेरी करती हैं। मिसाल के तौर पर एक मातहत है, एक अफसर है, अफसर के पास ताकत मौजूद है, मातहत के पास ताकत मौजूद नहीं है, इस तरह की चीजें भी होती है। तो नेकी का हुक्म देना और अपने आप को नेकी की तरफ लेकर आना, ये सबसे बेस्ट काम है। और दूसरा जो साइकोलॉजिकल इशू है वो ये है कि जब आप किसी को नेकी का हुक्म देते हैं ना, तो आपका भी दिल आहिस्ता ऐसा करता है कि मैं भी नेकी का काम करूं, आखिर मैंने उसको कहा है। तो ये तमाम चीजें ना, हर आदमी अपने अपने माहौल और अपने एटमोसफियर के लिहाज से उसको चेक कर ले, और जो असल चीज है वो यही है कि आदमी नेकी का हुक्म देते हुए अपने आप को सबसे पहले रखे। फरमाया वान तुम तत्लून की, जी जुबैर साहब, जी सर, जजाक अल्लाह। अच्छा चले।
अब अल्लाह फरमाता है वहां तुम तत्लून किताब, किताब तुम पढ़ते हो। अब किताब पढ़ते हैं क्या मुराद है? किताब के अंदर अल्लाह ताला ने नबियों का जिक्र किया है, नेक लोगों का जिक्र किया है, सहाबा कराम का जिक्र किया है रजी अल्लाह अन्हु, और उनकी जिंदगियां बताई हैं कि मिनहुम मन कदा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बदलू तब्दीला, कि वो नेकी के कामों में आगे सरफरिस्त हुआ करते थे। तो किताब हमें, जब हम किताब की तिलावत करते हैं तो हमें बताती है कि नेकी का काम सबसे बेहतरीन है, और फिर नेकी काम के काम से अल्लाह राजी होता है, और मुआशरे के अंदर फजा पैदा होती है और मुआशरा जो बेहतर हो जाता है। फरमाया अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? अकल ये है कि जब आप दूसरे के लिए एक चीज पसंद कर रहे हैं, उसको नेकी का काम बता रहे हैं, तो अकल करो कि वो काम तुम्हारे लिए भी उस तरह ही जरूरी है जिस तरह आप उसको बता रहे हैं। और फरमाया वस्तईनू, और मदद तलब करो, इसके जरिए भी सब्र व सलाती, सब्र और नमाज के जरिए। आपको पता है हर चीज का एक जरिया होता है, जिस तरह निकाह औलाद का जरिया है, औलाद हासिल करनी हो तो आदमी निकाह करता है शरी लिहाज से, इसी तरह नौकरी जो है वो पैसे कमाने का जरिया है, इसी तरह और भी कई चीजें हैं, वॉशिंग मशीन वो कपड़े धोने का जरिया है, इस्त्री जो है वो कपड़ों की सलवटें और उसके जो अंदर जो ग्रीस के नशीने आ जाती है उसको खत्म करने का जरिया है। अब आपने नमाज और सब्र, यानी कि आपने अल्लाह से मदद तलब करनी है, तो मदद तलब करना अल्लाह ताला से लाजमी और फर्ज है। अल्लाह ताला ये फरमाता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, कि बेशक हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। असल मदद अल्लाह सुबहाना व ताला की है। तो जब आप असबाब इख्तियार करते हैं तो असबाब के अंदर भी वो ताकत और कुव्वत अल्लाह ने दी हुई, इसलिए कहा जाता है ना कि असली इस्तियानत अल्लाह ताला की ही है, क्योंकि अगर आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं और उसके जरिए ताकत हासिल करते हैं, तो उसके अंदर भी ताकत वगैरह अल्लाह ने रखी हुई है, खुद उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है किसी ने, आदमी ने अल्लाह ताला से मदद तलब करनी है, इस्ताना या इस्ताईनु, मदद तलब करना चाहता है तो बिसब्री व सलाती। अब देखिए तरतीब कैसी है कि पहले आदमी सब्र करे, कि दूसरे बारे में भी आप पढ़ेंगे कि वला नब्लुवन्नकुम बिशयई मिनल खौफि वल जूई व नक्सि मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरति व बशिरिस सबिरीन या अय्युहल लज़ीन आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअ अस्साबिरीन। दूसरे पारे का ना, दूसरे रुकू के अंदर, तीसरे रुकू के अंदर आयतें मौजूद है। तो फरमाया कि सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो, यानी कि अगर आप अल्लाह ताला से मदद तलब करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप सबसे पहले साबिर बने। जो साबिर जब आदमी बनता है तो फिर अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलता है, बल्कि अपना सारे नबियों ने सब्र किया। अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया फसबिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल। फिर आपको पता है कि स्टेजेस होती हैं किसी चीज की, 100 का नोट, 500 का, 1000 का, तो अल्लाह ने इस तरह फरमाया फसबिर सबरन जमीला, यानी कि तुमने सही तरह सबर करना है। और इसमें बड़ी अहम बात आपको टेक्निकली मैं बता दूं कि जब आदमी को परेशानी आती है तो उसकी चार चीजें मुतासर होती हैं। एक उसका हाथ, हाथ मुतासर होते हैं, आंखें मुतासर होती हैं, जुबान मुतासर होती है, और दिल मुतासर होता है। क्या ख्याल है जी? जी सर, जब आदमी में मुसीबत है उसका दिल मुतासर होता है, दिल में गमगीन हो जाता है, उसके बाद उसकी आंखें मुतासर होती हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, उसके हाथ मुतासर होते हैं कि वो अपना गिरेबान चाक करता है या जोर जोर से मारता है अपने आप को, और उसकी जुबान मुतासर होती है, जुबान से वो अवेला करता है। तो हाथ और जुबान को मना कर दिया गया है, शरीयत ने हाथों को और जुबान को मना किया गया है कि वो अपनी हाथ को तजावुज ना करें। आज से आप अपना गिरेबान चाक करें, और नबी अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई खास तौर पे औरतों के लिए, कि अल्लाह ताला लानत फरमाता है ऐसी औरत पर जो अपने बालों को मुंडवा देती है और अपने गिरेबान को चाक करती है मुसीबत के वक्त, क्योंकि ये चीजें उस वक्त की औरतों में ना, जाहिलियत की औरतों में आम थी। और दूसरे नंबर पर है जुबान, जुबान से ऐसे कलिमात कहना जिस तरह हमारे यहाँ भी होता है बाज़ औक़ात कि तेरी दे मौत का वक्त नहीं आया, तू पहले ही फौत हो गया, तो ये चीजें जो है ना, ये बाज़ औक़ात कुफर में दाखिल हो जाती है, क्योंकि अल्लाह वादा शरीक फरमाता है कि मैंने हर चीज का वक्त मुकर्रर कर रखा है। हाँ, आंखों को इजाजत है कि वो रो पड़े, दिल को इजाजत है कि गम महसूस करे। और आप देखें कुरान शरीयत कितनी खूबसूरत है, आंखें रो रही हो, दिल गम महसूस करे, बताइए शोर होता है? नहीं सर, बाकी भी बोलो जी, बाकी सौदे नहीं गए कितने? नहीं सर, नहीं सर, सर। देखे आप, जब आप अल्लाह ना करे, साहब जरा खैर परेशानी तो आनी आनी है, अल्लाह ना करे परेशानी है, बहरहाल हमें ये दुआ करनी चाहिए। कहने का मकसद ये है कि आपने किसी आदमी को मुसीबत में देखा, आपकी आंखों में आंसू जारी हो गए, अब आंखों में आंसू जारी हो गए, शोर होता है उसका? फिर नो सर। आपका दिल गमगीन हो, शोर होता है उसका? भी शोर नहीं होता। तो
तो जिन चीजों से नुकसान पहुंच सकते हैं, देखिए अल्लाह ने मना कर दिया, जुबान से ऐसा कलमा निकालना। नबी अलैहिस्सलाम का बेटा फौत हो गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम ने उनकी लाश को उठाया और क्या फरमा रहे हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इब्राहिम को मतलब कहा कि इन्ना भी फिराकी का या इब्राहिम लमहजूनून वमा नकूलु इल्ला मा यरजा रब्बुना। फरमाया कि ए इब्राहिम तेरी जुदाई का लम्हा और सदमा बड़ा सख्त है, तो हम वही कलमा पढ़ेंगे जिससे हमारा रब राजी हो जाए। देख कितनी बड़ी मुसीबत और परेशानी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम सबर का पहाड़ बने हुए, हमारा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ताला के लिए हैं और अल्लाह ताला की तरफ ही हमें लौट के जाना है। तो ये बात, ये कलमा जो है ना, इसको कहते हैं कलमा इस्तिरजा। कलमा इस्तिरजा का मतलब है ये इतना जबरदस्त कलमा है कि आप उस तजर्बा करके देख सकते हैं कि जैसे ही आप ये कलमा पढ़ते हैं ना, तो आपको दिल को सुकून मिल जाता है। क्यों जी? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ऐसा ही है। उम्मे बिल्कुल सलमा सर, रजी बट अल्लाह सर अन्हा, जी, बोले सर बोले, जी। सुभान अल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई फोत हो जाए तो हम अगर बोल दें तो लोग बुरा उसको क्यों समझते हैं? नहीं देखिए, मसला ये है कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर तो कलिमात है, लेकिन शरीयत ने जो कलिमात सिखाए ना किसी के फौत होने पर, उसका भी तो लिहाज करना है ना। शरीयत ने कलिमात ये सिखाए हैं, मैं वही बता रहा था। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का ना, अनहा का हामन बड़े नेक थे, वो अबू सलमा, वो फौत हो गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लाश पर आए, वो लंबी हदीस है। तो अच्छा, उम्मे सलमा कहती कि वो इतने अच्छे खामत थे कि मैं परेशान हो गई कि क्या बनेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे ये दुआ सिखाई कि तुमने पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलफ ली खैरा मिनहा, कि ए अल्लाह मुझे इस मुसीबत का अजर दे, मैं मुसीबत पे सबर कर रही हूँ, मुझे अजर दे, और व अखलफ ली या व अखलफ ली खैरा मिनहा, मुझे इससे बेहतर चीज अता कर। खलीफा से मुराद है बाद में आने वाला, यानी कि जो चीज मेरी चली गई है इससे बेहतर चीज दे दे। तो आप कहती हैं कि मैंने वो दुआ पढ़ना शुरू कर दी, तो मुझे उस दुआ का असर ये हुआ कि पहली चीज तो मेरी पूरी हो गई कि अल्लाह ने मुझे सब्र दे। वो कहते हैं मैं अब सोचती थी कि इससे बेहतर अबू सलमा तो मेरे लिए बहुत बेहतर थे, इससे बेहतर कौन हो सकता है। तो कहा मेरी इद्दत की मुद्दत पूरी हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे पैगाम भेजा कि उम्मे सलमा अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको अपनी जौजियत में लेने के लिए तैयार हूँ। तब मेरे जहन में आया कि अल्लाह ताला ने मेरी जो दुआ पढ़ी ना उसका दूसरा हिस्सा भी पूरा कर दिया। अबू सलमा बहुत अच्छे खामन थे, लेकिन कहाँ अबू सलमा, कहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों जी? जी सर, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही, बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की जौजा उनको बना दिया, और जौजा बनाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम के हरम में दाखिल कर दिया। हरम में दाखिल करने के साथ वो फजीलत अता फरमाई जो बाकी आम औरतों को हासिल नहीं है। तो ये है जी, ये दुआ पढ़ने का फायदा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलफ ली खैरा मिनहा। फिर सबर की ना अल्लाह ताला ने खुद ही तारीफ की है नबी अलैहिस्सलाम ने। आप एक कब्रिस्तान से गुजरे थे, एक औरत कब्र में बैठी रो रही थी, आप अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया इत्तकिल्ला वस्बिरी, अल्लाह ताला से डर और सबर कर। वो चूंकि आपको पता है, आप माशाल्लाह साइंस को जानते हैं, साइंस खुद इस बात का इकरार करती है कि सदमे के अंदर आदमी की जो जिस्म है ना, वो उस तरह का काम नहीं करता जिस तरह वो आम औरत में करता है। क्या ख्याल है जी? जी जी सर, सर। बिल्कुल। अच्छा, वो भी बेचारी उसी हालत में थी, पता पुता चल नहीं रहा, उसने आपको पहचाना ही नहीं, तो उसके मुंह से ना ऐसे ऐसे अल्फाज निकल गए कि जाओ तो कि पता जरा मेनू पहुंचे तो तुझे अभी लगी हो, मेनू सबर कर सबर कर। आप वहां से चले गए देख करके इसकी हालत अभी ना बहुत खराब है, तो जरूरत नहीं इसको उलझने की। तो थोड़ी देर के बाद सहाबा ने उनको समझाया उस औरत को कि वो तेनू नहीं पता, तेनू नबी अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं। तो जब ये बात सुनी तो उसको फौरन होश आ गई, अच्छा, वो भागी भागी नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, माजरत की उसने, तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर सबर की डिफाइन किया सबर को, फरमाया इन्नमा सबरु इन द सदमतिल उला, सबर वो है जो सदमा पहुंचते ही कर लिया जाए। और करें सबर वो है जो सदमा पहुंचते ही कर लिया जाए, यानी कि जैसे ही कोई खबर मिले ऐसी कि जिस पर सबर करना जरूरी है, तो उस खबर को सुनते साथ ही बंदा कह दे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अपने आप कर ले। हाँ, आंसू निकल आए, दिल गम महसूस करे, तो ये दुरुस्त है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको दुरुस्त करार दिया है कि इन्नल कल्बा यहज़ुन वल अइनु तदमा, फरमाया जो आंखें हैं वो छलक पड़ती हैं और दिल गम महसूस करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। और फरमाया नमाज तो है, आपको पता ही है नमाज, इन जो नमाज है युनाजी रब्बहू, आदमी जो ना अपने रब से सरगोशी करता है नमाज के अंदर, और अगर आदमी समझ लेना कि नमाज में मैं अपने रब से बात कर रहा हूँ, तो उसकी नमाज बहुत बेहतर हो जाती है।
तो लिहाजा सब्र करना है और नमाज पढ़नी है, नमाज अदा करनी है। फरमाया वही इतना हला कबीरा तुम, और बेशक ये यानी कि जो नमाज है, हाँ की जमीन आ रही है सलात की तरफ, क्योंकि सब्र मुजक्कर है और सलात मुअन्नस है। ये आप देख सकते हैं आखिर में बोलता मौजूद है, ये इसकी वजह से ये है मुअन्नस है, तो ये हाँ की जमीन मुअन्नस के लिए आती है। वही इतना और बेशक ये जो नमाज है, लकबीरतुन, ये बड़ी सख्त है जी, बड़ी मुश्किल है, इल्ला अल खाशिन, मगर डर रखने वालों, जो आदमी डरता है अल्लाह ताला से उसको तो नमाज में बड़ा मजा आता है, उसको पता होता है कि किस तरह। इट्स नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, मैं तो वैसे ही आपको बताने लगा हूँ कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल डलवाने के बाद आपकी क्या कैफियत होती है कि मेरी गाड़ी अब ज्यादा चलेगी क्योंकि मैंने पेट्रोल डलवा लिया, क्या ख्याल है सर? जी सर, रिलैक्स हो जाते हैं। आप रिलैक्स हो जाते हैं, तरह आपको भूख लगी हुई है, जब आप खाना खाने जाते हैं, खाना लेकर आ रहे हो तो रिलैक्स हो जाते हैं कि घर पहुंचा के तो बाद पले पुते होते रोटी खावा गई। तो नमाज जो है ना ऐसे ही है, अगर नमाज शौक से पढ़ी जाए तो नमाज पढ़ते ही आदमी रिफिल हो जाता है, वो फ्यूल उसके अंदर अल्लाह ताला डाल देता है, जिसकी वजह से वो अगली नमाज तक के लिए ताजा दम हो जाता है। तो ये नमाज और नमाज की कैफियात ही बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे और आपको ये लाजमी इहतमाम करना चाहिए कि हमें नमाज का तर्जमा याद हो, जो हमने नमाज पढ़ते हैं उसका तर्जमा याद हो। दूसरे नंबर पर शर्म नहीं करनी चाहिए अगर हमारी नमाज की अदायगी दुरुस्त नहीं है, कि नमाज के कलमात हमसे नहीं बोले जाते कि उसकी तजवीद में फर्क है, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं कि आदमी किसी आदमी को सुनाकर अपनी तजवीद दुरुस्त कर ले, क्योंकि आपको पता है कि एक एलिवेशन है और एक इंटीरियर डेकोरेशन। बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन एंड इंटीरियर डेकोरेशन? हाँ जी इंटीरियर डेकोरेशन का पूछ रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ, एक होती है एलिवेशन, एक होती है इंटीरियर डेकोरेशन, में क्या फर्क है? सर इंटीरियर डेकोरेशन जो अंदर की मतलब खूबसूरती उसको बनाना होता है, जी, एलिवेशन नॉर्मली यूज होता है कि ऊंचा करना, उसको ऊपर करना, हाँ एलिवेट एलिवेशन, करना। हाँ एलिवेशन तो बना था जो आप घर के बाहर, यानी कि घर के बाहर जो आपने दीवारें बनाई है ना, उसको टाइल वगैरह लगाना, हालांकि आप उन टाइलों पर कभी बैठ के ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, क्या ख्याल है? जो जी सर, आपके घर का फ्रंट है ना, आपने गौर किया, जो नीचे से ऊपर को जा रहा है, नीचे से ऊपर को जाने वाला फ्रंट जो है ना, उस पर बड़ी खूबसूरत टाइलें लगाई जाती है ताकि हमारा फ्रंट खूबसूरत नजर आए, और आपको पता सारी उम्र आप लगे रहे ना, तो आप उन टाइलों पर बैठ के खाना नहीं खा सकते, बिकॉज दे आर एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पे होने की वजह से उस पर बैठने मुमकिन नहीं है, क्या ख्याल है? अच्छा, एग्जैक्टली सर ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर यह कि जो नमाज है इसकी एक कैफियत है कि एक नमाज है आपका डिस्प्ले, डिस्प्ले से मुराद है अच्छे तरीके से नमाज को पढ़ना, और एक है उसकी जो है ना आपने अदायगी खूबसूरत करनी है, फिर अदायगी करने के साथ साथ अल्लाह से तवज्जो, अल्लाह की तरफ तवज्जो हो, किस तरह कि अंताबुद अल्लाह कान्ना का तराहु फाइलम तकुन तराहु फाइन्ना हो यराका, कि गोया अल्लाह ताला को आप देख रहे हैं, अगर ये कैफियत ना हो तो कम अज कम ये हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो लिहाजा फरमाया ये नमाज बड़ी सख्त है, इसलिए आपको पता है कि लोग मसाजिद के सामने, मसाजिद के अंदर, मसाजिद के ऊपर रहते हुए नमाज नहीं पढ़ते, और इसमें बहुत बड़ा मसला हमारे इस मुल्क के अंदर जो हमारे मुरवजा फिका राइज है, उसका मसला भी ये है कि जो अमल है ना, ये बड़ा अहम मसला है जी, जरा समझ लीजिएगा, जो वो कहते हैं अमल जो है ना वो ईमान से खारिज है, अमल जो है वो ईमान से निकला हुआ है, यानी कि ईमान के अंदर एंटर नहीं होता, अगर कोई आदमी कलमा पढ़ ले तो अब वो अमल करे या ना करे वो मुसलमान है, वो मोमिन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ ले नमाज तो ठीक है, ना पढ़े तो जो गुनाहगार होगा, लेकिन असल में इस रवैये ने क्या किया है कि नमाजें हमारी छुड़वा दी है इल्ला माशाल्लाह। हालांकि नमाज को छोड़ना जिस तरह आता है ना सूरह मुदस्सिर में कि मा सलकुकुम फी सकर, के जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से कि तूने नमाज, तुझे कौन सी चीज ले आई जहन्नम में, तो क्या कहेगा? पहला जवाब देगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दो आए थे सूरह तौबा के अंदर, और सूरह तौबा के अंदर आए थे फाइन ताबू व अकामु सलात व आतउ ज़कात फाइ खवानकुम फी दीनी, फरमाया अगर ये लोग नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, तब तुम्हारे दीनी भाई हैं। फिर फरमाया उसी सूरत में फाइन ताबू व अकामु सलात व आतउ ज़कात फखल्लू सबीलहुम, अगर ये लोग नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, तब आपने इनका रास्ता छोड़ना है। तो हमारे यहाँ आप देखिए बेनमाजी का रास्ता कोई रोकता है? हुकूमत रोकती है बेनमाजी का रास्ता? हाँ जी नहीं सर,
बेनमाजी का रास्ता इस्लामी हुकूमत होना तो रोकेगी कि ये भाई तू बेनमाजी है, नमाज पढ़, और फिर उसमें ताजीर लगाएगी, सख्ती के साथ उसको नमाज पढ़वाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको पता, पाकिस्तान का माहौल इस तरह का नहीं है, तो शरीयत के अंदर ये चीजें सर ये खुद नहीं पढ़ते हैं। चले, वो नहीं पढ़ते तो हम तो पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। असल मसला ये है, हमें तो पढ़नी चाहिए ना। और अल्लाह फरमाता है खाशीन की अब तारीफ। अब देखिए, आप भी कहेंगे मैं खाशीन हूँ, मैं कहूंगा मैं खाशीन हूँ, वो कहेगा वो खाशीन है। अब पता कैसे चलेगा खाशीन कौन है? तो अल्लाह ने साथ उसकी अलामत बता दी है। अलामत और सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सी स्टैंड्स फॉर कार्बन, सी स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, बिल्कुल ऐसे ही है सी आर फॉर क्रोमियम। ये फर्क होता है चीजों के दरमियान, बिल्कुल ऐसे ही। अब खाशीन की क्या है अपना सिंबल? अल्लाजीन, वो लोग, यजुन्नूना, जिन्हें पक्का यकीन है, यहाँ यकीन है पक्के के माने में, जिन्हें यकीन है, पुख्ता यकीन है, अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, कि वो लाजमी बिला शक व शुबा अपने रब से मुलाकात करने वाले। क्यों जी, आपको यकीन है कि आपने रब से मुलाकात करनी है? हाँ जी, जी जी सर सर, बिल्कुल हाँ। तो जब रब से मुलाकात करनी है तो फिर आपको सबर भी करना होगा और नमाज भी पढ़नी होगी, और फिर नमाज जो है वो आपको ऐसे पढ़नी है जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। अल्लाह फरमाते हैं इन्हें अल्लाह ताला से मुलाकात का यकीन है। अब अल्लाह ताला से मुलाकात का यकीन है तो आप देखिए, कभी आपने गौर किया है जब आपने कराची जाना है अपनी फूफो से मिलने, खाला से मिलने, तो आप यहाँ से कौन सी चीजें लेकर जाती हैं? सर, हलवा वगैरह। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपको ना, आप कहते हैं फूफो को फलां चीज पसंद है, खाला फलां चीज बड़ी शौक से खाती है, मामू को जी वो वहाँ का हलवा बड़ा पसंद है, चाचू को वहाँ की खीर बड़ी पसंद है, तो इसलिए ना हमारे यहाँ सौगात होती है। सौगात समझते ना आप, हर इलाके की सौगात है, जिस तरह लाहौर की सौगात है नान चने हो गए, बाज बर्फी, बाज जगह बर्फी सौगात होती है, बाज जगहों पर ये जिस तरह मुल्तान की सौगात क्या है जी, मुल्तान की, सोन हलवा सर, सोन हलवा। सर ये बाड़ी वालों का हलवा। आइए, जैसे खाने की बारी है, सबके माशा चेहरे जो है ना वो खूबसूरत हो गए, क्या ख्याल है जी? खाने खुने की बात बातें शुरू हुई तो चले, हाँ जी सर। अल्लाह ताला आपको खिलाए पिलाए जी, खिलाना पिलाना खाना पीना वो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। अब मकसद कहने का ये है कि आप देखिए, अल्लाह ताला से मुलाकात करनी तो आप क्या लेके जा रहे हैं, अल्लाह ताला को क्या चीज पसंद है? अल्लाह अकबर, देखिए ना, आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं कि पहला छाला गुल चल रही है, आप फला चीज इकट्ठी कर रहे हैं, कोई आदमी दुकानें इकट्ठी कर रहा है, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में साफ कहता है कि इन आदमी में तो लोड़ी कोई नहीं, अब मेरे पास लाओ तो क्या लेकर आओ? फरमाया कुरान मजीद में सूरह हज के अंदर, फरमाया और कई मुकामात पे फरमाया, वहां फरमाया नहीं अनाल अल्लाह दिमाग वला की अनालो तकवा मिनकुम, कि अल्लाह ताला को तकवे की जरूरत है, जब अल्लाह के पास आओ तो तकवा परहेजगारी लेकर आना, गाड़ियां बंगले बुंगले अल्लाह ताला के पास लेकर ना आना। यौम ला यनफऊ मालू वला बनून, ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे। जब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने कत्ल किया ना दूसरे को, तो उससे पहले जो कत्ल हुआ ना बेटा, उसने क्या कहा था कि इन्ना मा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह सिर्फ परहेजगारों से चीजों को कबूल करता है। इसका मतलब है अल्लाह से मुलाकात का जिसको यकीन है कि उसने अल्लाह से मुलाकात करनी, तो अल्लाह ने खुद तरीका बता दिया कुरान मजीद में, फरमाया फलयामल अमलन सवालिहन, उसका काम है नेकी का काम करे। आप रिश्वत लेना, सूद खाना, ये नेकी के काम है? हाँ नो जी, सर, नहीं सर, गुनाह के काम। हाँ। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने सूरह ताहा में फरमाया कि ला नसअलुका रिज़्का, पहले फरमाया ला तमुत्तन्ना आइनैक का इला मा मत्ताना बिही अज़्वाजन मिन्हुम ज़हरत अल हयात दुनिया, फरमाया आंखें फाड़ फाड़ कर लोगों की ना कोठियां बंगले गाड़ियां खासतौर पर काफिरों की ना देखा करें, फरमाया ये तो दुनियावी जिंदगी का सामान है। हम तुमसे ला नसल उगर इसका, हम तुमसे पैसे का सवाल नहीं करते, ये तो आओगे तो पैसे लेके आना, ये बहुत अहम आयत है, जब आओ पैसे लेकर आना। तो आप पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबर और नमाज के जरिए मदद तलब करो। नबी अलैहिस्सलाम को भी जब कोई अचानक हादसा पेश आता तो आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते, ये सही है, अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 139। और ये वो जी लोग हैं जिन्हें यकीन है कि उन्होंने अपने रब से बात कर ली है और वो उसकी तरफ लौटने वाले हैं, तो उसके लिए दुआ अल्लाह ने सिखाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वो आपने पहले सुन लिया, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अख्लुफ़ली खैरम मिन्हा। अब आगे यहाँ से जो उसके बाद पहले बनी इसराइल का जिक्र है, अब फिर बनी इसराइल का अल्लाह ने यहाँ जिक्र किया है, फरमाया या बनी इसराइल अज़कुरू, ए बनी इसराइल उज़कुरू, याद करो नेमती अल्लाह थी, मेरी नेमत को अल्लाह थी, जो अनाम तो अलैकुम, जो मैंने तुम्हारे ऊपर की, तुम्हारे ऊपर इनाम किया, जो पिछले हफ्ते आपने सुनी है। तो
हुक्म ये है, उसको हुक्म है, अल्लाह का फेल अमर है कि अल्लाह ने यहाँ हुक्म दिया है आपको बनी इसराइल को, हमें भी हुक्म दिया गया इस तरह का। इसका मतलब है नेमतों को याद करना बहुत जरूरी है, नेमतों को याद करना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है। और आप अल्लाह की कसम है जो मर्जी कर ले, अल्लाह ताला का उस तरह शुक्र अदा नहीं कर सकते जिसका उसका हक है। उस तरह से छोटी सी एग्जाम्पल ले लें कि सारा दिन आपका एक सांस ऊपर और एक सांस नीचे होता है, हर वक्त हर लम्हे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और आप गिन नहीं सकते कि दिन में कितनी बार होता है, हजारों की तादाद में होता है ये। और एक सांस ऊपर रह जाए आदमी फौत हो जाएगा, नीचे रह जाए तो आदमी फौत हो जाएगा। तो क्या आदमी हर दफा जब उसका सांस ऊपर या नीचे होता है अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता है? हाँ जी, मेरे सर मुश्किल मुश्किल है सर, जी तो यहां से नामुमकिन है, क्या ख्याल है? सर बिल्कुल ऐसा ही है। देखे ना, आप भी चेक कर लें जरा आधा घंटा कि एक सांस ऊपर नीचे ना जाए तो आदमी खत्म है, एक सांस नीचे ऊपर ना आए तो तब भी आदमी खत्म है। इसका मतलब है ये चीज हमें तकाजा करती है ना कि हम हर सांस ऊपर और हर सांस नीचे पर कहें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्योंकि हम ये कह नहीं सकते तो अंदाजा लगाएं कि ये सिर्फ इसी इस नेमत का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, तो बाकी तो बहुत बात की बात है। क्या ख्याल है जी? एग्जैक्टली सर ऐसा ही है सर। तो फरमाया कि है इसका मतलब है नेमतों को याद करें बहाने बहाने से, और उसमें थोड़ा बहुत जो भी अल्लाह का आप शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह इंशाल्लाह वो थोड़े को ज्यादा कर देगा और कम को ज्यादा बना देगा, काफी कर देगा आपके लिए, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। तो फरमाया कि वो जो नेमतें तुम्हारे ऊपर तमाम की, तुम्हें अन्नी फजल तुकु, मैंने तुम्हें फजीलत दी जहानों पर, जहानों पर फजीलत से मुराद वो लोग हैं जो आप अलैहिस्सलाम की उम्मत से पहले थे, क्योंकि जब आप अलैहिस्सलाम आए तो ये फजीलत जो है जिस तरह आप तहवीले किबला के बारे में पढ़ते हैं, पहले किबला वो था, अल्लाह ने इसको बना दिया, अब ये फजीलत जो है ये इस उम्मत को मिल गई है जो उम्मत नबी अलैहिस्सलाम की है, और वो उसको भी मिली है एक शर्त के साथ कि जब वो नेकी का हुक्म देगी वो बुराई से मना करती रहे। अब वो खुद ही बुराई में पड़ जाए और नेकी को छोड़ दे तो सागर वो नेमत उसमें नहीं रहेगी। इसकी एग्जाम्पल यूं ही ले सकते हैं, जैसे आप नई गाड़ी लेकर आते हैं तो है तो वो ना कहीं नई गाड़ी या नया मोबाइल, लेकिन डिमांड करता है कि उसमें सिम हो, डिमांड करता है उसके अंदर बैलेंस हो, डिमांड करता है उसके अंदर कोई कार्ड हो जो आपको फायदा पहुंचाए। बिल्कुल ऐसे ही हम नेकी का काम करेंगे, बुराई से मना करेंगे, तब जाके हम खैर उम्मत बनेंगे। आले इमरान की आयत नंबर 160 है, फिर नबी अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया कि खैरुन नास, सबसे बेहतर लोग मेरे जमाने के लोग हैं, अल्लज़ीना यदूनहु अल्लज़ीना यदूनहु, ये सही बुखारी की हदीस है, फरमाया सबसे बेहतर जमाने के लोग हैं, फिर वो जो उनसे मिलेंगे, फिर वो जो उनसे मिलेंगे, यानी कि ताबईन और तबा ताबईन, वो जो सहाबा के शागिर्द हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम फजीलत हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम बनी इसराइल की आदात छोड़ें, यहूदियों की आदात को छोड़ें, यहूदियों के वतीरे को छोड़ें, तब जाके हम खैर उम्मत बनते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तको यौमन, डर जाओ उस दिन से। अब वो दिन कौन सा है जिसके बारे में आप कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो आप फरमाया वत्तको यौमन, दूसरे मुकाम पर ही आया वत्तको यौमन तुर जाऊ न फीही लल्लाह, डर जाओ उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। तो आदमी बड़ा ये बड़ा वो, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, सारा दिन सारी रात सारा कुछ ये करता है, लेकिन फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सारी ताकत सलब कर ली जाएगी और वो चीजें जो तुम्हारी दुनिया में काम आती थी अब काम नहीं आएंगी उस दिन। उस दिन एक ऐसा जैमर लगा दिया जाएगा और इस तरह सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे कि वो सिग्नल नहीं चलेंगे। अभी भी आप देखिए कि आप सर्दी का मौसम एंजॉय कर रहे हैं, अभी सर्दी हालांकि नहीं आई लेकिन आपको पता है एसी चल रहा है आपका, ये बंद है जी, क्या सर बंद है सर, बंद है, क्यों बंद है, चला क्यों दे रहे आप उसको? सर अभी जरूरत नहीं है सर क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है सर। माशाल्लाह बहुत सादा जवाब है, जरूरत नहीं है। तो साहब अरे अल्लाह ताला के सामने आदमी ना पांच चीजें पेश करेगा तो अल्लाह कहेगा आज तेरी जरूरत कोई नहीं आएगी, आज मौसम तब्दील हुआ है, तुम गर्मी की चीजें ला रहे हो तो सर्दी है, सर्दी की चीजें ला रहे हो अब तो गर्मी है, तो उस दिन का मौसम तब्दील हो जाएगा। उस तब्दीली का अल्लाह ने यहाँ जिक्र किया कि अब पहले ये समझ ले कि अगर आदमी को अल्लाह पकड़ ले तो क्या कोई छुड़ा सकता है? बिल्कुल भी नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं, आदमी इतना मजबूर है। आप सर आप में ना जितने भी खवातीन यहाँ मौजूद हैं या जितने भी मर्द हजरात मौजूद हैं, वो आजकल आपको पता है मादियत परस्ती बहुत ज्यादा हो गई है, अल्लाह ताला पे शक कि हम तो आजाद हैं जी, कोई हमें पकड़ने वाले कोई नहीं है, हम तो बिल्कुल
मादर पितर ही आजाद है, इस तरह के नजरियात जो है ना वो खास तौर पर बहुत ज्यादा फैलाए जा रहे हैं। आप एक छोटी सी मिसाल लें कि आदमी के जिस्म के अंदर ना कुछ ऐसे अवामिल हैं जो होते रहते हैं, उनमें से एक अमल है जिसके लिए आपने घर में वॉशरूम बनाया हो। आदमी इतना आजिज है अल्लाह ताला की कसम कि वो अपना वॉशरूम नहीं रोक सकता। क्या ख्याल है जी? जी एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है सर। जी बोले जनाब, बाकी स्टूडेंट समझ आ रही है जी? जी सर, जी सर, आप बिल्कुल एग्जैक्टली किसी सर, आदमी ऐसा से कितना कहते वॉशरूम रोक के दिखा दे तो वो कहता ये है, बढ़ के मारेगा, मैं ये हूं मैं वो हूं। आदमी अपना वॉशरूम रोकने पर कादर नहीं है, तो उसका वॉशरूम उसको याद दिलाता है कि कोई है, कोई ऐसी जात है जिसने ये चीजें बनाई हुई हैं और जिसने तुम्हें मजबूर कर दिया है कि ये चीज तुम्हारे पास नहीं रही। तो बाकी बातें तो है, बाद की बात है। इसी तरह है कि हमें ना ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को पकड़ ले छुपा नहीं सकता। आप दुनिया देखिए, दुनिया आप दुनिया में रह रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाता है वाला कुफिल अर्ज मुस्तकर मताउल इलाही, ये दुनिया जो है वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया के अंदर तुम्हें थोड़ी देर रहना है। अब दुनिया के अंदर किसी आदमी को पकड़ लिया जाए ना तो तीन बड़ी सूरतें हैं छुड़ाने की। एक ये है सिफारिश कर दी जाए, अपाएं तो अड्डी पेट पानी छाड़ दे छोटा भाई है। दूसरा ये है कि फिदिया दे दें, आप चालान भर दें, पैसे दे दें, जनाब लो 500 रुपया, ये ले जी 1,000 रुपया, ये ले 1,00,000 रुपया। और तीसरी सूरत यह है कि जिसने पकड़ा हो उस आदमी को, उस आदमी को आप अपनी फैमिली इकट्ठी करें, अपने बरादरी इकट्ठी करें, असलिया इकट्ठा करें, दोस्तों को बुलाएं और कहो चलो चढ़ाई करते हैं और उस आदमी से छुड़वा लेते हैं अपने भाई को। बताइए तीनों सूरतें अल्लाह ताला के सामने मुमकिन हैं? नहीं सर, तीनों बिल्कुल भी सर, नहीं। कि अल्लाह ने जिस बंदे को पकड़ा हो हम कहें जी सारी बरादरी इकट्ठी करो, अल्लाह ताला पे नाउज बिल्ला हमला करके छुड़ा लेते। या तीसरी अल्लाह फरमाते हैं कि उस दिन से डर जाओ जिस दिन कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी। ठीक है जी, कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी, कोई बुजुर्ग, कोई नेक बंदा, कोई ये कोई वो, कोई किसी के काम नहीं आएगा। वला तजिर वाजिरा तुम विजरा उखरा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, जो आदमी ने कमाया होगा उसके बदले में वो गिरवी होगा, और गिरवी तभी छुड़ा सकता है जब वो अपनी ना जस्टिफिकेशन कर दे कि मैंने ये काम इस तरह किया, ये काम इस तरह किया। तो फरमाया वला युक्बलु मिनहा शफाअतुन, कोई सिफारिश भी कबूल नहीं की जाएगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई सिफारिश कबूल नहीं होगी, दूसरे मुकाम से वजाहत हो जाती है कि ये वो सिफारिश है जो काफरों के लिए है और वो सिफारिश है जो अल्लाह के हुक्म के बगैर है। तो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई आदमी सिफारिश कर ही नहीं सकेगा। जिस तरह आप सूरह बकरा की मशहूर आयत पढ़ते हैं हर नमाज के बाद, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसमें छोटा सा टुकड़ा है मन ज़ल्लज़ी यशफ़ौ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह ताला के सामने सिफारिश कर सके इल्ला बिइज़्निही, मगर उसकी इजाजत से, उसके इज़न के बाद। अब अल्लाह ने ये नहीं है कि आदमी जाएगा एनु छाट दो उन्हें छाट दो, नहीं, अल्लाह ताला के पास जो लिस्ट मौजूद है जिसको अल्लाह ने छोड़ना है तो अल्लाह अपने नेक लोगों को, अंबिया को, रसूलों को और दूसरे लोगों को इज्जत देने की खातिर छोड़ना अल्लाह ताला नहीं है, चुनाव अल्लाह ने किया हुआ है, इन्होंने उन्हें छोड़ना है। लेकिन उनकी इज्जत करने के लिए जिस तरह आदमी ना अपनी औलाद से नहीं कह देता कि जब मैं अंदर आऊँ ना तुम कहना तो फिर तुम्हारे कहने में मैं छोड़ दूंगा ताकि तुम्हारी इज्जत बने, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह अंबिया को, सुलहा को, रसूलों को, दूसरे लोगों को कहेगा कि मैंने इस आदमी को माफ कर देना है, बस ये है कि आप इसका नाम ले लें कि आला इनु माफ कर, मैं इसको माफ कर दूंगा, ताकि मैदाने महशर में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है सिफारिश उसी की होगी जिसको अल्लाह ने माफ करने का फैसला कर लिया होगा। इल्ला मन आज़िना लहु अर्रहमान व क़ाला सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ तख़ज़ा इला रब्बिही मआबा, तीसरे पारे में अल्लाह फरमाता है। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि एक आदमी जानी है, शराबी है, ये है वो है, और जनाब जी वो ये सिफारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये सिफारिश की उम्मीद बनी इसराइल को थी, ये सिफारिश की उम्मीद ईसाइयों को थी, और अल्लाह ने इसी सिफारिश की नफी की है जो गैर शरी सिफारिश है, और गैर शरी सिफारिश अल्लाह ताला कतन कबूल नहीं करेगा। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाक्य बड़ा मशहूर है, वो आप उससे समझ लें। जब आप नमाज जनाजा पढ़ते हैं आप तमाम लोग, तो नमाज जनाजा आप कह सकते हैं कि दरअसल अल्लाह के यहाँ एक छोटी सी सिफारिश है कि या अल्लाह इस मैयत को माफ फरमा दे। क्या ख्याल है? जी जी सर, हम सर, मगफिरत की दुआ करते हैं जी। जो वही ना मगफरत की दुआ का मतलब नहीं, या अल्लाह हम सिफारिश करते हैं तेरी मेहरबानी इन्हें माफ कर दे। नबी अलैहि सलातो सलाम ने एक जनाजा पढ़ाया अब्दुल्ला बिन उबई का, जो मुनाफिकों का सरदार था, वादा किया हुआ था आपने, आपने उसको कुर्ता भी पहना दिया, आपने उसके मुंह में थूक मुबारक भी डाल दिया और आपने उसका जनाजा तक पढ़ा दिया। तो अल्लाह ताला ने बाद में आयत नाजिल फरमा कर फरमाया इस्तगफिर लहू मौला तस्तगफिर लहू,
आप इनके लिए दुआ करें या ना करें, इन तस तक फिर लो हम सब इना मर्रतन फले या फिर अल्लाह, आप 70 बार भी इनके लिए दुआ करेंगे अल्लाह ने इनको माफ नहीं करना। 70 बार भी दुआ करें तो अल्लाह ने इनको माफ नहीं करना, इसका मतलब है कि सिफारिश उसी की होगी जिसकी अल्लाह ताला ने करवानी। फिर अल्लाह ताला लिस्ट दे देगा, 10 दिन तू कर दे जी, 50 दिन तू कर दे, वो अल्लाह ताला देगा। और सबसे बड़ी सिफारिश जो नबी अलैहिस्सलाम करेंगे उस आदमी के हक में जिस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर, गंदम के दाने के बराबर, जौ के दाने के बराबर, यहाँ तक कि जर्रा बराबर भी ईमान होगा, तो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम सिफारिश करके अल्लाह ताला से छुड़वा देंगे। लेकिन वो तमाम लोग राई के दाने के बराबर, गंदम के दाने के बराबर, जौ के दाने के बराबर, ये तमाम वो लोग होंगे जिनके बारे में असल यकीन अल्लाह ने कर लिया होगा कि मैंने इनको माफ करना है। समझ आ गई थी? और फरमाया फरमाया वाला यू हज मिनहा अदल, ना उस जान की तरफ से उस आदमी की तरफ से कोई मुआवजा लिया जाएगा, फिदिया पैसे दे दो जी, अदल बराबरी कर लेना, कि जिस तरह बराबरी होती है ना आदमी की, जी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और आपका इशारा तोड़ देता है कोई शख्स, तो आप इशारे की जगह अदल कर लेते हैं कि इशारा तोड़ रहे हैं तो आप भाई आप 1000 रुपया दे रहे, वो 1000 रुपया दे देता आपको, तो ये अदल हो जाता है, ये फिदिया आपने ले लिया उससे, और आप जाके इशारा दिलवाए या ना दिलवाए वो आपकी मर्जी है। तो फरमाया वाला सर ना उनकी मदद की जाएगी, तो सारा काम खत्म हो गया, क्यामत वाले दिन कोई चीज काम नहीं आएगी। और इसलिए फरमाया इल्लल्लज़ीन आमनू वामिलु स्वालिहाती, क्यामत वाले दिन नेकी के काम वो काम आएंगे, वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किए होंगे, रियाकारी नहीं होगी, दिखावा नहीं होगा, अलिफ आप पढ़ रहे हैं, लाम पढ़ रहे हैं, मीम पढ़ रहे हैं, नेकियां इकट्ठी कर रहे हैं, तो ये नेकियां क्यामत वाले दिन मिलेंगी। और आजकल ना ये मसला समझना बड़ा ही है, आप अगर अमेरिका जाने की ताकत है आपके अंदर, अमेरिका जाना आपने डिसाइड कर लिया है, तो आप अपनी करेंसी को जो पाकिस्तानी है किस पे कन्वर्ट करवाएंगे? डॉलर्स में सर। और रीजन क्या है उसकी, क्यों करवाएंगे? क्योंकि सर वो वहां पे मतलब पाकिस्तानी करेंसी नहीं चलती, और यूएस डॉलर चलती है। इफ यू हैव टू बाय एंड सेल इन यूएसए तो यू हैव टू यूज द डॉलर्स, तो आप कहेंगे चेंज करो जी इसको। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह की आई करेंसियां को नहीं चलनी जो हमारे जहन में है, जमहूरियत है, अक्सरियत है, बरादरी है, कबीला है, कुंबा है, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़ बिबनी व साहिबती व अखी व फसीलती अल्लती तूफी व मन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्म युंजी कल्ला। अल्लाह फरमाता है आदमी बरादरी दे दे, कबीला दे दे, कुंबा दे दे, बेटे दे दे, बेटियां दे दे, सारा कुछ दे दे, जो कुछ जमीन में है सब कुछ भी दे दे, तो फरमाया कल्ला हर किस कबूल नहीं किया जाएगा। इन्नहा लज़ा नज़ात लिश्शवा तदु मना दबरा व तवल्ला व जमा फाहुआ इन्नल इंसाना खुलिका अलुआ व इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहु खैरु मनुआ इल्लल मुसल्लीन, ये सूरह मारिज 29 में पारे। तो क्यामत वाले दिन जिन चीजों पर हमारा आज इन्हेसार है ना, वो क्यामत वाले दिन नहीं चलेगी, और वो चीजें चलेंगी जो अल्लाह ताला ने चलानी है। और वो कौन से नेकी के अमल हैं, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है, अगर नेकी का अमल है तो इंशाल्लाह वो काम आ जाएगा। और फरमाया वो इस नजी ना तुम, जब हमने तुम्हें निजात दी, अल्लाह किससे निजात दी, मिन आली फिरौना, फिरौन फिरौन की जमात जो फिरौनिये हैं उनसे निजात दी। और वो आपको पता है कि जो रवायात आप पढ़ते रहते हैं, ये रवायात इसराइलियात में से हैं, नाम सच्चा कह सकते हैं ना झूठा कह सकते हैं, कि जी वो फिरौन ने ख्वाब देखा था कि बनी इसराइल का एक बच्चा होगा, वो उसकी हुकूमत को खत्म करने का बायस बन जाएगा। बहरहाल ये जो भी है, तो बहरहाल उसमें ये था कि वो उसने ये करना शुरू किया कि बेटों को मरवा देता था और बेटियां जिंदा रखता था। यसू मुनाकुम सू वाला अजाब, यानी कि वो तुम्हें बदतरीन अजाब देते थे, यसू मुनाकुम सू वाला अजाब सामा यसूमू, वो चकाते थे तुम्हें, टेस्ट करवाते थे तुम्हें बदतरीन अजाब, कौन सा युजब भी हूं ना बनाकुम, तुम्हारे पेटों को बुरी तरह वो जिबा कर देते थे। एक होता है सिंपल जिबा करना, एक होता है टांगे काट देना, बाजू काट देना, मतलब बिल्कुल ही आदमी का ना मुसला बना देना, उसकी शक्लो सूरत मस्त कर देना। तो युजब भी हूं ना बनाकुम, यानी कि बुरी तरह वो तुम्हारे बेटों को जिबा करते थे, जिस तरह यहाँ तर्जमा भी आप देख सकते हैं, जब भाई युजब भी ये बाब तफील है सुलासी मजीद फी से, हरूफ बढ़ने की वजह से इसके अंदर ईमाना पैदा होता है, पूरी तरह जिबा करते थे, वही अस्ता ही उन्होंने निसाहुम, और तुम्हारी औरतों को वो जिंदा छोड़ देते थे। अच्छा, इसमें एक खदशा ये भी है कि चूंकि बनी इसराइल की जो आबादी है वो बढ़ती जा रही थी, लिहाजा हो सकता है फिरौन ने उनकी आबादी के डर की वजह से ये बढ़ते जा रहे हैं उनको कत्ल करने का फैसला किया हो, खास तौर पर मर्दों को, ताकि ना मर्द होगा ना ताकत मौजूद होगी तो ना ये मुझसे लड़ सकेगी।
और फरमाया वफी जालिकुम इस चीज में बला उम्मीद रब्बी कुम अजीम। ये जो है ना नजात का वाकया, ये आप पढ़ सकते हैं जिस तरह है ना सदो श्री गोलोम, ये तीन बड़ी ईदें हैं, इनका नाम है यहूदियत में फसा की ईद, फतीर की ईद। फसा की ईद मनाते हैं ये इसी के, कि जब इनको फिरौन से निजात मिली थी और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये 10 मुहर्रम का दिन था। आप अलैहिस्सलाम जब मदीने में तशरीफ लाए तो आपने ज्यूस को देखा, यहूदियों को, कि वो 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। तो आपने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा ये वो दिन है जब अल्लाह तआला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन से निजात दी थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुमसे ज्यादा मूसा पे हक रखता हूँ, अगर मूसा ने रोजा रखा है इस दिन तो मैं भी रोजा रखूंगा। तो आपने फिर 10 का रोजा रखा और उसके रोजे का हुक्म दिया। और फिर आपने फरमाया कि एक दफा जब आपको हुक्म दिया गया कि यहूदियों की मुखालफत करनी है, तो आपने फरमाया आइंदा साल लाइन बकी तो इला काबिलिन ला सूमन तासे, अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो यकीन यकीन 9 का रोजा रखूंगा। तो ये वो रोजा है जो इस सूरत में रखा जाता है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल जो उनके मानने वाले हैं उनको फिरौन के जुल्म से निजात दी थी। तो फरमाया वफीज आलिकुम और इसमें बला उम्मीद रब्बिकुम अजीम, तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश। आजमाइश से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान था, और ये जो इशारा है वो जिबा की तरफ भी हो सकता है, निजात की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि जिबा करना वो एक मुसीबत है, निजात देना वो एक इनाम है। और बाद अवकात अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है नेमत देने की शक्ल में, बाज़ औक़ात आजमाइश होती है नेमत को छीन लेने की शक्ल में। तो दोनों सूरत यहाँ मुराद हो सकती है कि उनका ज़िबा करना ये भी एक आजमाइश थी, और उसके बाद निजात दे देना ये भी एक आजमाइश थी। वफी ज़ालिकुम बलाउ मिन रब्बिकुम अज़ीम। तो ये मेरा ख्याल है अगली क्लास का टाइम होने वाला है, तो आपका वैसे भी टाइम तकरीबन 1 घंटा पूरा हो गया। ये 49 तक आपकी आज हमने आयात पढ़नी है, पढ़नी ज्यादा थी लेकिन टाइम जरा, कुछ क्वेश्चन आपने किए तो ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक, जिसमें हमें काफी सारी अल्लाह ताला ने मालूमात दी हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।